हाय फ्रेंड्स, आई स्तुति फ्रॉम ई विद्यार्थी। और इस सेशन में हम करेंगे क्लास 11 चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट्स का एक और नया और इम्पोर्टेंट टॉपिक। ये है कैलकुलेशन ऑफ मैनेजर्स कमीशन का टॉपिक। हमने प्रीवियस सेशंस में मैनेजर्स कमीशन की एडजस्टमेंट की जर्नल एंट्री सीख ली थी। अब इस सेशन में हम मैनेजर्स कमीशन को कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो मैनेजर्स कमीशन जो होता है वो एज अ परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट दिया जाता है। कमीशन इज पेबल एज अ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, मतलब पीएनएल अकाउंट में जो हमारा नेट प्रॉफिट निकल के आता है उसका एक परसेंट हम कैलकुलेट करते हैं, जिससे हमारा मैनेजर्स कमीशन आ जाता है। कैसे देखते हैं। अच्छा, मैनेजर्स कमीशन को चार्ज करने के भी दो तरीके हैं। या तो क्वेश्चन कहेगा कि आप चार्ज करो बिफोर चार्जिंग सच कमीशन या फिर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। कैसे देखते हैं। अगर क्वेश्चन कहता है कि मैनेजर्स कमीशन कैलकुलेट करना है एज अ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, यानी जो नेट प्रॉफिट पीएनएल अकाउंट में निकल के आया मैनेजर्स कमीशन को चार्ज करने से पहले, मैनेजर्स कमीशन को प्रॉफिट में से सब्ट्रैक्ट करने से पहले का जो प्रॉफिट है उसका एक परसेंट हमें कैलकुलेट करना है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पीएनएल अकाउंट में नेट प्रॉफिट आ गया 80,000 और मैनेजर्स कमीशन हमें चार्ज करना है 10% के रेट पे बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, यानी हमें 80,000 का ये जो नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन है इसका 10% कैलकुलेट करना है। इसका 10% आ जाएगा 8,000 rupees। ये आ गया हमारा मैनेजर्स कमीशन। और हमारा फाइनल प्रॉफिट क्या आएगा, 80,000 माइनस मैनेजर्स कमीशन, क्योंकि मैनेजर्स कमीशन भी हमारा एक एक्सपेंस होता है। तो ये हम नेट प्रॉफिट में से लेस कर देंगे अपना करेक्ट प्रॉफिट निकालने के लिए। 80,000 में से 8,000 लेस हो जाएगा, ये होगा 72,000 हमारा नेट प्रॉफिट। तो इस केस में हमने क्या किया, हमने मैनेजर्स कमीशन कैलकुलेट करा 10% के रेट पे, बट 10% हमने लगाया नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, वो वाला प्रॉफिट जो मैनेजर्स कमीशन को चार्ज करने से पहले आया। ये तो था बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। अब अगर क्वेश्चन कहता है कि आपको मैनेजर्स कमीशन कैलकुलेट करना है बट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, यानी आपको मैनेजर्स कमीशन इस फिगर पे कैलकुलेट करना है, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो ये वाला प्रॉफिट तो तब निकल के आएगा ना जब मैनेजर्स कमीशन हमें पता हो। अब ना तो हमें मैनेजर्स कमीशन पता है और ना ही ये वाली फिगर पता है, हमें सिर्फ ये 80,000 की फिगर पता है, बट ना तो मैनेजर्स कमीशन पता है, क्योंकि मैनेजर्स कमीशन हमें कैलकुलेट करना है इस फिगर पे और ये फिगर भी हमें नहीं पता। तो दो अननोन फिगर है, अब इसका क्या करा जाए। तो इस मैनेजर्स कमीशन को जब क्वेश्चन हमसे कहता है कि आपको मैनेजर्स कमीशन चार्ज करना है, कैलकुलेट करना है नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन पे, तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। क्या देखते हैं, परसेंट ऑफ कमीशन, कितना परसेंट पे हमें चार्ज करना है, 10% पे। तो परसेंट ऑफ कमीशन यानी 10% डिवाइडेड बाय 100 प्लस परसेंट ऑफ कमीशन, 100 प्लस 10% इनटू नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। तो नेट प्रॉफिट मैनेजर्स कमीशन को चार्ज करने से पहले है 80,000, तो इसको इनटू कर देंगे 80,000 से। अब हमारी इस फॉर्मूले की हेल्प से मैनेजर्स कमीशन की फिगर निकल के आ जाएगी। कैसे देखते हैं, यह आ जाएगा हमारे पास 10/110 इंटू 80,000 और इसकी फिगर आ जाएगी ₹7272। यह आ गया हमारा मैनेजर्स कमीशन। अब 80,000 में से जब हम मैनेजर्स कमीशन लेस करेंगे तब जाके हमारे पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट। 80,000 में से ये फिगर लेस करेंगे तो हमारे पास आ रहे 72,727 रुपीज, 28 रुपीज अप्रोक्स में फिगर है। तो अगर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन यानी इस फिगर पे मैनेजर्स कमीशन कैलकुलेट करना है तो हम इस फॉर्मूले की हेल्प से करेंगे, और अगर बिफोर कमीशन वाली फिगर पे करना है तो सिंपल है, नॉर्मली परसेंटेज अप्लाई कर देनी है।
तो ये था मैनेजर्स कमीशन कैलकुलेट करने का मेथड। आई होप आपको ये समझ आया होगा एंड प्लीज इसे याद रखना क्योंकि फुल फ्लेज क्वेश्चंस में हमें इसकी बहुत जरूरत पड़ती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। एंड आपको अगर अभी भी कोई डाउट है यू कैन राइट अस ऑन द कमेंट बॉक्स एंड वी विल रिप्लाई यू एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू।